इस वक्त की गहलोत कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 साल की सेवा पूर्ण करने पर मिलेगा पूरी पेंशन का लाभ। दौसा के आयुर्विज्ञान कॉलेज का नाम पंडित नवकिशोर शर्मा के नाम पर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गहलोत कैबिनेट से जुड़ी भी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। लिहाजा कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं और इन फैसलों की बात करें तो 25 साल की सेवा पूर्ण करने पर मिलेगा पूरी पेंशन का लाभ, ये फैसला लिया है कैबिनेट ने। इसके साथ ही गहलोत कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि दौसा की आयुर्विज्ञान कॉलेज का नाम अब पंडित नवकिशोर शर्मा के नाम पर होगा। और हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शशि, क्या कुछ ज्यादा अपडेट इस पूरे फैसलों को लेकर? देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सामाजिक सुरक्षा की बात करते रहे हैं और सरकार ने ये तय कर लिया है कि 25 साल की सेवा पूर्ण होने पर पेंशन का फायदा मिल जाएगा। और इसके साथ में जो दौसा की जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर के भी पंडित नवलकिशोर शर्मा के नाम पर उसका नामकरण करने की बात पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात करते रहे हैं और साथ में दूसरे मुद्दों पर समाज के अलग अलग वर्गों की सामाजिक सुरक्षा की भी बात करते रहे हैं। यही कारण है कि इस फैसले को अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने अप्रूव करके उस पर मोहर लगा दी। जी दीपक, शशि मंत्रिपरिषद की बैठक भी फिलहाल चल रही है, उसमें भी मंथन किया जा रहे होंगे कई दूसरे प्रस्तावों को लेकर, एजेंडे को लेकर? मंत्रिपरिषद की बैठक दीपक अपने अंतिम दौर में है, थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो चुकी थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक खत्म होते ही इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया गया और वो प्रेजेंटेशन जो आंधी अंधड़ आया पिछले दिनों प्रदेश में और उससे जो नुकसान हुआ उससे जुड़ा हुआ था। और उसमें ये भी बताया गया कि 8 करोड़ से ज्यादा की रकम पिछले दिनों सरकार की तरफ से बजट आवंटित कर दिया गया था और उसके बाद में क्या अतिरिक्त बजट की जरूरत हो सकती है इस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया। साथ में आप ये देखिए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की तरफ से जो भी सुझाव आए होंगे उनको उसमें शामिल किया जाएगा और जल्दी राहत दी जाएगी। जी शशि, अब चूंकि आखिरी दौर में मंत्रिपरिषद की बैठक भी है तो ऐसे में उसके बाद में अब जो अनौपचारिक चर्चा का दौर है, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का हो या फिर पीसीसी डोटासरा भी उसमें शामिल रहेंगे, तो वो भी कुछ देर में शुरू होने वाला होगा? बिल्कुल दीपक, वो मंथन भी थोड़ी देर में शुरू होगा और जैसे ही बैठक खत्म हो जाएगी तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश सचिवालय आकर के कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनके ऊपर ब्रीफ भी करेंगे। और आप ये देखिए कि कैबिनेट की बैठक में सरकार का फोकस पूरी तरीके से आम जनता को राहत देने के ऊपर रहा है और उसी फैसले को सरकार ने लागू करते हुए ये जो 25 साल की सेवा पूरी होने पर जो पेंशन का नियम लागू करने की बात कही है वो उसी नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। शशि, कुल मिलाकर यदि आज बात की जाए तो लगभग कितने एजेंडे इसमें रखे गए होंगे, लगभग अंदाजन? 5 विभागों के 11 एजेंडे इसमें शामिल थे और इसके अलावा जो आंधी और अंदर से जो नुकसान हुआ बारिश से, बेमौसम बारिश से, उसके नुकसान से जो भरपाई करनी थी वो मुद्दा अलग रखा गया था, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ विषय था। बाकी जो 11 मुद्दे रखे गए थे उनमें 3 में वेतन संशोधन का मामला था, 1 पेंशन से जुड़ा हुआ मामला था। जैसा कि हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 25 साल की से ज्यादा 25 वर्ष के सेवाकाल पर पूरी पेंशन मिल सकेगी कर्मचारियों को, ये फैसला भी बड़ा हो गया है। इसके साथ में आप ये देखिए कि कर्मचारियों के स्पेशल पे में भी बढ़ोतरी हुई है। जो राजस्थान सिविल सेवा का जो 2017 के नियम का रिव्यू का मामला था वो यही था जिसके जरिए कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे जो वेतन का हिस्सा होता है उसमें वेतन विसंगति परीक्षण समिति जो पूर्व डीओपी सचिव खेमराज की अध्यक्षता में बनी थी उसकी अनुशंसा के अनुरूप उसमें बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित था और उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो वैकेंसीज होती हैं उसमें अगर उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो 3 साल तक की कैरी फॉरवर्ड हो सकेंगी।
इसके ऊपर भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों अलग अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से और प्रतिनिधि मंडलों की तरफ से सरकार से इस बात को लेकर मांग की गई थी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं उनको एडवांस वेतन वृद्धि जो है उसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ में अभियोजन सेवा एक जो कैटेगरी होती है उसमें एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर मिल सकेगा। इसमें ग्रेड पे लेवल L20 से L21 किया गया है, जो अतिरिक्त निदेशक के पद का प्रमोशन इन कर्मचारियों को मिल सकेगा। जो 4 सेवा नियम है कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उनको शामिल कर लिया गया है, 4 अलग अलग सेवा नियमों को। साथ में जैसा हमने बताया कि पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर दौसा के जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम होगा। और जो रैगर समाज और गुर्जर समाज के छात्रावासों के लिए जमीन आवंटन के मामले थे उनको भी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और ये कैबिनेट के प्रमुख फैसले आज की कैबिनेट के प्रमुख फैसले कहे जा सकते हैं। जी दीपक, चलिए तो बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हुई है, अब मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। यदि हम आपको जानकारी को लेकर बता दें, जैसे हमारे सहयोगी ने अभी जानकारी दी कि 25 वर्ष के सेवाकाल पर अब पूरी पेंशन मिलेगी, कार्मिकों की स्पेशल पे में वृद्धि होगी, इसका फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां भी 3 वर्ष तक अग्रेषित होंगी, इसका फैसला लिया गया है, और साथ में कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि की गई है। हम आपको बता दें कि राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का कैबिनेट ने अनुमोदन किया है, इसमें कार्मिकों के विशेष वेतन यानी कि जो स्पेशल पे है उसमें वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। इन सब के अलावा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो रिक्तियां हैं उनको भी 3 सालों तक अग्रेषित किया गया है, इसका फैसला कैबिनेट ने लिया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ, ये भी यहां पर फैसला लिया गया है। तो कई बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं गहलोत कैबिनेट की तरफ से। जैसा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि गहलोत कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, इन्हीं फैसलों की यदि बात करें तो कई छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित की गई है। इनमें बात की जाए तो वीर गुर्जर विकास धर्माटस भीलवाड़ा को, इसके अलावा रायगढ़ समाज बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन सबके साथ ही मंत्रिमंडल ने दौसा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा, जो कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उनके नाम पर करने का फैसला यहां पर लिया है, प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 11 मई 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसको लेकर घोषणा भी की थी, तो उसके बाद में आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सब के अलावा यदि बात की जाए तो मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी 2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा लाइव जुड़ गए।